ठहर जाइए, कौन है आप लोग? हम ब्रह्मपुत्र सनकादिक ऋषि हैं। मेरा नाम सत है, यह है सनंदन, सनत और शौनक। अपने आने का उद्देश्य बताइए। प्रभु के द्वार पर आने का उद्देश्य प्रभु के दर्शन की इच्छा के अतिरिक्त और क्या हो सकता है द्वारपालों? आप अभी उनसे नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते द्वारपालों? प्रभु अभी विश्राम कर रहे हैं। कैसी बातें करते हो द्वारपाल? ईश्वर और विश्राम, ईश्वर कभी विश्राम नहीं करते। यदि ईश्वर विश्राम करने लगे तो सृष्टि का सारा काम का ठप हो जाएगा। तुम हमें जाने दो। विचित्र प्राणी हैं आप। एक बार आपसे कह दिया कि आप अभी उनसे नहीं मिल सकते, तो आप लौट क्यों नहीं जाते? हे द्वारपालों, हम तुमसे विनती करते हैं कि हमें अपने लक्ष्मी नारायण के दर्शन के लिए भीतर जाने दो। हम बहुत दूर से उनके दर्शन को आए हैं। एक बार कह दिया कि अभी आप उनके पास नहीं जा सकते, तो फिर हट क्यों कर रहे हैं? हे द्वारपालों, पथ का विमान अच्छा नहीं होता, चाहे वो पथ कितना भी ऊंचा हो। तुम तो एक द्वारपाल का छोटा सा पद पाकर इतराने लगे। तुमने अपने अभिमान में आकर हमारी राह रोकी, हमें अपने प्रभु से मिलने नहीं दिया, तुम्हें इसका दंड मिलेगा। हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ तुम दोनों राक्षस बन जाओ। हे ऋषिगण, विष्णु लोक में आपका स्वागत है। हे प्रभु, इन ऋषियों ने हमें श्राप दे दिया। हम तो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे प्रभु। कर्तव्य पालन? कर्तव्य पालन का अर्थ ये तो नहीं कि आप मेरे और मेरे भक्तों के बीच दीवार बन जाएं? आप दोनों से घोर अपराध हुआ है और इस अपराध का दंड तो मिलना ही था। हे जय, हे विजय, जिस प्रकार वृक्ष और उसकी जड़ का नाता कोई नहीं तोड़ सकता, उसी प्रकार मेरे और मेरे दर्शनाभिलाषी के बीच कोई नहीं आ सकता। मेरे दर्शनार्थी मेरी संपत्ति हैं जय, और स्वयं मैं उनकी संपत्ति हूं। हम दोनों का एक दूजे पर समान अधिकार है। जब भी कोई ईश्वर और भक्त के बीच आने का प्रयास करेगा, किसी न किसी रूप में अवश्य दंड पाएगा। हे ऋषिगण, आपको विष्णु लोक में जो कष्ट हुआ, उसके लिए मैं स्वयं आपसे क्षमा मांगता हूं। हम धन्य हो गए प्रभु, आपके दर्शन हुए, हमारा जीवन सफल हो गया। हमारे जीवन का तो एक ही उद्देश्य है, आपकी आराधना और उपासना। आपको देखा तो हमारी नेत्रों की तृप्ति हो गई। प्रभु, उनसे कहिए कि मैं क्षमा कर दे। सर्वेश्वर, हमें इनके शाप से मुक्ति दिलाइए। नहीं विजय, ये नहीं हो सकता। ऋषि का शाप धनुष से निकला हुआ बाण होता है, उसे न रोका जा सकता है और ना ही वो लौट सकता है। हे ऋषिगण, मैं आपसे ये तो नहीं कह सकता कि आप इन दोनों को अपने श्राप से मुक्त कर दीजिए। इन मूर्खों से जो भूल हुई है, उसके लिए वो दंड के पात्र तो हैं, पर इन्हें ये तो बताइए कि इन्हें ये दंड कब तक भोगना होगा? क्या आपके श्राप से मुक्ति पाने का कोई मार्ग नहीं है? हाँ है, हे सर्वेश्वर, हमारे श्राप से मुक्ति पाने का एक ही मार्ग है। आपके द्वारपाल जय और विजय को हमारे श्राप के कारण 3 बार राक्षस योनि में जन्म लेना होगा और 3 बार आपसे वैर करना होगा, और वो 3 जन्मों में आपके हाथों मृत्यु प्राप्त करनी होगी। पहले जन्म में जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनकर जन्मेंगे और आपके हाथों मर जाएंगे। जय और विजय कुंभकर्ण और रावण के रूप में आएंगे और आपके राम अवतार द्वारा मृत्यु लोक में भेजे जाएंगे। तीसरे जन्म में यह दोनों कंस और शिशुपाल बनकर आएंगे और श्री कृष्ण के हाथों मरेंगे। बस इसके उपरांत इनकी मुक्ति हो जाएगी। हे सर्वेश्वर, आपकी जय हो, जय हो। हे त्रिलोकीनाथ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे ऋषिगण, आपका श्राप हमारे सिर माथे पर। हम आपका श्राप सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं।
और मुक्ति मार्ग की खोज में निकलते हैं। हे सर्वेश्वर, क्या बात है प्रिय? कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? एक वृद्ध असहाय मनुष्य पर इतना अत्याचार? कमलनयन, हिरण्यकशिपु आप पर क्रोधित है, पर क्रोध उतार रहा है निर्दोष मानव पर। आपकी क्रोधाग्नि कब भड़केगी? आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? समय की महादेवी, समय की। किस समय की? उस समय की जब हिरण्यकशिपु की गागर भर जाए। समय, गागर? मैं आपकी बातें समझने में असमर्थ हूं जगदीश्वर। महादेवी, अभी तो हिरण्यकशिपु के पाप की गागर में दुष्कर्म की पहली बूंद गिरी है, इसके भर जाने की प्रतीक्षा तो करनी होगी ना। उस समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं। पर वो ये जानते हुए कि हिरण्याक्ष अपराधी था, आपसे शत्रुता पर कमर कस रहा है। हाँ महादेवी, हर एक को मरने के लिए कोई ना कोई बहाना तो ढूंढना ही पड़ता है। हिरण्यकशिपु ने मेरी शत्रुता को वो बहाना बना लिया है। हे कमलनयन, ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है। माना कि असुर हिरण्यकशिपु मानसिक संतुलन खो बैठा है। उसने मानव लोक में आतंक फैला रखा है, परंतु इसके उत्तर में किसी बालक से जन्म लेने का अधिकार ही छीन लेना, किसी माता के गर्भ को छलनी कर देना तो घोर अन्याय है, अत्याचार है, नृशंसता है। मैं आपसे सर्वथा सहमत हूं महादेवी। अत्याचार का उत्तर अत्याचार से देना बिल्कुल वैसा ही है जैसे अग्नि को अग्नि से बुझाने का प्रयास करना। अत्याचार का दंड अवश्य देना चाहिए, पर केवल अत्याचारी को, पापी को, उसके परिवार के सदस्यों को नहीं। और ऐसे सदस्य को तो कदापि नहीं जिसने अभी जन्म ही न लिया हो, जिसे अपने पिता के पाप का ज्ञान ही न हो। हे कमलनयन, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक ओर कयाधु की कोख में पलते बालक को लेकर मैं चिंतित हूं, तो दूसरी ओर निर्दोष मानवों पर हो रहे अत्याचार को देखकर मैं व्याकुल हूं। मैं आपका दुख समझता हूं महादेवी। यदि ऐसी स्थिति बन जाए कि दो परस्पर विरोधी गुटों की लड़ाई में दोनों ही पक्षों के केवल निर्दोष और असहाय तत्व ही अत्याचार और आतंक के लक्ष्य बन जाएं, तो हर उदार मन तड़प उठता है। फिर आपके पास तो मां का हृदय है। हिरण्यकश्यपु और देवराज दोनों ही अनुचित कार्य कर रहे हैं, और उन्हें एक साथ केवल आप ही रोक सकते हैं। देवराज उस मां के गर्भ में पल रहे बालक को कुछ भी क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे, मैं आपको यह वचन देता हूं। और हिरण्यकश्यपु का आतंक, उसे आप नहीं रोकेंगे? उसने तो मानवों का श्वास लेना भी दुर्लभ कर रखा है। हे महादेवी, जिस प्रकार दीपक जिस अंधकार को मिटाता है, वो अंधकार उसी के नीचे जा छुपता है, उसी प्रकार कभी कभी सत्य को असत्य के नीचे और पुण्य को पाप के नीचे ही शरण मिलती है। एक पापी सत्य को संसार से मिटाने की धुन में यह भूल जाता है कि सत्य तो वहां भी पल सकता है जहां कभी उसने सोचा ही न था। कदाचित उसके अपने घर में। मैं समझी नहीं सर्वेश्वर। असुर राज हिरण्यकशिपु ने मेरा नाम लेने वालों को समाप्त करने का प्रण किया है। उसका दंड यह है महादेवी कि मेरा सबसे बड़ा नाम लेवा उसी के घर में जन्म लेगा, उसके अभिमान को स्वयं उसका रक्त ललकारेगा। आप तो बस देखती जाइए महादेवी, उसी के बालक के रूप में एक ऐसी कहानी जन्म लेने वाली है जिसे संसार कदापि नहीं भूल पाएगा। महादेवी, जिस प्रकार विष ही विष का अंत भी करता है, उसी प्रकार असुरों के आतंक का अंत असुर पुत्र ही करेगा। उस बालक की कयाधु के गर्भ में रक्षा और हिरण्यकशिपु के आतंक का अंत दोनों ही मेरे हाथों में है।
और यह दोनों कार्य मैं करूंगा। आप तो रहस्यों के रहस्य हैं, भेदों के भेद, पर आप मुझे संतोष हो गया है कि आप मेरी सारी चिंताएं अवश्य दूर कर देंगे। मैं आपका दुख समझ रहा हूं प्रिय। मुझे देवराज से ये आशा न थी, एक अबला से ये व्यवहार, और अबला भी वो जो मां बनने वाली है। मैं स्वयं भी बहुत दुखी हूं प्रिय, बहुत दुखी। नारी का अपहरण, फिर चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो, कोई भी स्थिति क्यों ना हो, फिर चाहे कोई नीति या कूटनीति का अंश ही क्यों ना हो, परंतु एक महान पाप है, एक अक्षम्य अपराध है। और यदि ये पाप या अपराध देवगण ही करने लगे तब तो फिर अंधेर है। देवता मानव के आदर्श है, और यदि देवता ही दुराचार करने लगे तो मानव किसका अनुसरण करेगा। कयाधु को बचाइए देवेश्वर, कयाधु को बचाइए। क्या हुआ महादेवी? हे कमल नयन, हमारे देवर्षि तो कयाधु को ऐसे समझा रहे हैं और उसकी इस प्रकार सेवा कर रहे हैं जैसे कि वो बहुत ही अनुभवी और जानकार व्यक्ति हो। मेरा जी, महादेवी देवर्षि जो कर रहे हैं उसका संबंध अनुभव और ज्ञान से नहीं है, प्रेम और सहानुभूति की भावना से है। कोई भी यदि जीवन से प्रेम करने लगे, मन में प्राणियों के प्रति सहानुभूति की भावना रखे, तो प्रकृति आप ही सब कुछ सिखा देती है, सब कुछ समझा देती है। यदि मन में एक दूजे के प्रति प्रेम, सद्भावना और सहानुभूति जागे तो ज्ञान का मार्ग खुल जाता है। प्रेम के ढाई अक्षर परंतु ज्ञान के सबसे महान भंडार हैं। मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि देवर्षि ये सब जानते हैं कि गर्भावस्था नारी के जीवन की वो अवस्था है जिसमें उसे सदैव अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा आहार ग्रहण करना चाहिए और अच्छी वस्तुओं का ध्यान करना चाहिए। इस अवस्था में ये सब बातें नितांत आवश्यक है। ये तो वो जानते ही हैं, पर कुछ और भी जानते हैं। और क्या जानते हैं देवर्षि? देवर्षि ये जानते हैं कि गर्भावस्था में नारी के गर्भ में पल रहा शिशु जीवित और सचेत होता है। माता जो देखती है, जो सुनती है, शिशु उससे अवगत रहता है, प्रभावित होता है। तभी तो देवर्षि उसे सुंदर सुंदर बातें कह रहे हैं। देखिए ना महादेवी, देवर्षि उसे क्या कह रहे हैं। आपकी लीला बड़ी अनोखी है कमल नयन। क्यों महादेवी? जो हिरण्यकश्यपु सृष्टि से आपका नाम मिटा देने का दृढ़ संकल्प लिए है, उसी का पुत्र संसार में आने से पहले ही अपनी माता के गर्भ में आपके नाम की माला जप रहा है। पुत्र क्या कर रहा है और पिता क्या कर रहा है? किसी बहुत बड़ी गंभीर चिंता में डूबी हुई है महादेवी, बहुत बड़ी उलझन में मन फंसा हुआ लगता है आपका। हम आपकी चिंता में भागीदार नहीं हो सकते। आपसे अपनी चिंता कौन छिपा सकता है कमल नयन? आपकी सेवा किसी की उलझन कौन सुलझा सकता है? आप तो सबके हृदय की बात जान ही लेते हैं। हाँ अंतर्यामी, आपने सत्य कहा, एक अद्भुत उलझन,
एक विचित्र चिंता ने मेरे मन को घेर रखा है। वही तो मैं जानना चाहता हूँ और आप ही के मुख से सुनना भी चाहता हूँ देवी। मैं वही सोच रही थी कमल नयन कि आपने ये कैसा रहस्य रच दिया है कि पिता और पुत्र के चरित्र में वही अंतर है जो जल और अग्नि में है, सूर्य और चंद्रमा में है, आकाश और धरती में है। पिता हिरण्यकश्यपु के मुख से जो श्वास निकलती है उसमें आपके लिए अपशब्द होता है और उसी का पुत्र अपनी माता के गर्भ में भी आपको पुकार रहा है, कितने मधुर शब्दों में आपका स्मरण कर रहा है। ये कैसा भेद है, ये कैसा रहस्य है? कोई रहस्य नहीं महादेवी, कोई भेद नहीं। हाँ, एक उद्देश्य अवश्य है। क्या उद्देश्य है आपका कमल नयन? महादेवी, मैं समस्त संसार को ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जन्म से सुर या असुर नहीं होता। उसे सुर या असुर बनाते हैं उसके कर्म, उसका चरित्र और उसकी प्रवृत्ति। हे महादेवी, जिस प्रकार वृक्ष पर उगने वाले पुष्प और फल आवश्यक नहीं कि उसी रंग के हो जिस रंग का वृक्ष है, उसी प्रकार आवश्यक नहीं कि हर पुत्र कर्मों में, चरित्र में और प्रवृत्ति में अपने पिता के समान हो। यदि कोई सुर का पुत्र दुष्कर्म करेगा तो असुर कहलाएगा और यदि कोई असुर पुत्र चरित्रवान होगा तो सुर कहलाएगा। परंतु हे सर्वेश्वर, क्या अच्छा ना होता कि हिरण्यकश्यपु का पुत्र किसी देव पुरुष के घर में जन्म लेता? हाँ? तब तो ये एक साधारण घटना बन जाती ना महादेवी, ये कहानी इतनी रुचिकर न बन पाती। एक अच्छा कथाकार अपनी कहानी में ऐसे तत्व लाता है, ऐसे मोड़ लाता है जो असाधारण हो, जो असंभव लगते हो, जिनके विषय में पहले कभी किसी ने सोचा ही ना हो, तभी तो एक अनुपम कथा जन्म लेती है ना। परंतु हे कमल नयन, ये कथा कहाँ जाकर पूरी होगी? यदि कथा का अंत कथा के मध्य में ही ज्ञात हो जाए तो कथा का सारा आनंद ही चला जाता है महादेवी, वो रूखी फीकी हो जाती है। अभी तो कथा का नायक कयाधु के गर्भ में है, उसे जन्म तो ले लेने दीजिए। यदि हिरण्यकश्यपु की तपस्या सफल हो गई तो इस शिशु का जीवन दूभर हो जाएगा। कथा का एक अंश है हिरण्यकश्यपु की तपस्या, कठोर और सराहनीय तपस्या, और कथा का दूसरा अंश है उसके घर एक ऐसे बालक का जन्म जो इतिहास रचने वाला है। महादेवी, इन दो अंशों में से एक अंश भी ना हो तो यह कथा अधूरी रह जाएगी। आप तो बस समय पर दृष्टि रखिए महादेवी। पद्मनाभ, आपने तो कहा था कि हिरण्यकश्यपु ने आपसे शत्रुता पर कमर कसकर अपनी मृत्यु का बहाना ढूंढ लिया है। हाँ महादेवी, मैंने ऐसा ही कहा था, स्मरण है मुझे। पर उसे तो आदि प्रजापति ने ऐसा वरदान दे दिया है कि अब उसकी मृत्यु असंभव लग रही है। असंभव लग रही है देवी? असंभव है नहीं। हे महादेवी, जिस प्रकार सूर्य का उदय होता है अस्त होने के लिए, दीपक जलता है बुझने के लिए तथा पुष्प खिलता है मुरझाने के लिए, उसी प्रकार जीवन का जन्म होता है मृत्यु को पाने के लिए। केवल दो को छोड़कर सभी को मृत्यु का स्वाद तो चखना ही है। दो? वो दो कौन है जिनको मृत्यु नहीं आ सकती? एक तो स्वयं मैं, अनादि और अनंत, और दूसरी स्वयं मृत्यु। हे महादेवी, न मुझे मृत्यु आ सकती है और ना ही मृत्यु की मृत्यु संभव है, और इनके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जिसे एक न एक दिन मृत्यु ना आए। इसलिए आप तो निश्चिंत रहिए महादेवी, हिरण्यकश्यपु को भी एक दिन मरना ही होगा। पर हे कमल नयन, उसको ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया वो सुना आपने? सुना महादेवी, भलीभांति सुना, पर इसमें अचरज की क्या बात है? जो आवश्यकता से अधिक चतुर बनने का प्रयास करता है, अंत में सिद्ध होता है कि उससे बड़ा मूर्ख कोई न था। हिरण्यकश्यपु यह भूल रहा है कि यदि उसने माता के गर्भ से जन्म लिया है तो उसे एक दिन चिता की गोद में भी सोना होगा। यह नियम न कभी टूटा है और न कभी टूटेगा। पर महादेवी, यह सब होता है अपने समय पर, और तब तक आपको भी प्रतीक्षा करनी होगी।
देखा आपने कमल नयन, देखा आपने, दुष्ट हिरण्यकशिपु इंद्रासन पर विराजमान हो गया है। तो क्या हुआ महादेवी? अब सब उसे महान नहीं समझेंगे, इंद्रासन पर विराजमान होने वाला महान नहीं कहलाता। नहीं महादेवी, नहीं, और जो ऐसा समझेगा वो भूल करेगा। कोई व्यक्ति केवल इसलिए महान नहीं हो जाता कि उसे एक महान पद मिल गया हो, एक महान सिंहासन मिल गया हो। सिंहासन किसी को महान नहीं बनाते देवी, महान तो बनाते हैं महान कर्म। जिस प्रकार केवल पुष्प की डाली पर होने से ही कांटों में सुगंध नहीं आती, उसी प्रकार केवल किसी आसन पर बैठने से व्यक्ति महान नहीं हो जाता। हाँ, यदि कोई महान व्यक्ति साधारण से आसन पर भी बैठ जाए तो वो साधारण आसन महान अवश्य हो जाता है। मुझे बस इतना बता दीजिए कमल नयन कि इंद्रासन अब सदा के लिए हिरण्यकशिपु का तो नहीं हो जाएगा ना? कोई भी सिंहासन सदा के लिए किसी का नहीं होता महादेवी। हाँ, उस सिंहासन पर बैठने वाला ये प्रयास अवश्य करता है कि सिंहासन उससे कभी ना छूटे, पर एक न एक दिन सिंहासन को उसे छोड़ना ही पड़ता है। अब देवराज को ही देख लीजिए, क्या उन्होंने कभी सोचा था कि इंद्रासन उन्हें छोड़ना पड़ेगा? परंतु आज उन्हें विवश होकर, अपमानित होकर इंद्रासन को छोड़ना ही पड़ा। हिरण्यकशिपु भी सदा के लिए इस सिंहासन पर कदापि नहीं रह पाएगा। पर हे कमलनयन, आज तो वो विजयी है, उसने देवताओं को भी परास्त कर दिया है। विजय और पराजय का ये क्रम तो चलता रहता है देवी, और चलता भी रहेगा। परंतु देवराज को पराजय का मुख इसलिए देखना पड़ रहा है कि उन्होंने एक नारी का अपहरण किया था, उसके गर्भ में पल रहे शिशु को मारने का प्रयत्न किया था, और ये सारे अपराध ऐसे अक्षम्य अपराध हैं महादेवी कि जिनके लिए सिंहासन छूटना और पराजय का मुख देखना तो साधारण सा दंड है। आपसे मैं सहमत हूं कमलनयन, आपके सुंदर मुख से निकलने वाले एक एक शब्द से मैं अक्षरशः सहमत हूं। देवराज को दंड मिलना ही चाहिए था। हाँ महादेवी, यही नियम है, जो जितना बड़ा अपराध करता है उतना ही बड़ा दंड पाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति तो केवल वही है जो कोई भी कार्य करने से पहले एक बार नहीं 100 बार विचार कर ले कि उस कार्य का परिणाम क्या होगा। हे कमलनयन, मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि आप जो कहते हैं वही सत्य है, और आप जो करते हैं वही उचित होता है। हे सर्वेश्वर, क्या वास्तव में मृत्यु का सदा के लिए अंत हो जाएगा? नहीं महादेवी, जीवन और मृत्यु तो एक दूसरे के लिए अनिवार्य है। यदि मृत्यु का अंत हो गया तो जीवन के सौंदर्य का भी अंत हो जाएगा। जीवन इसी कारण तो सुंदर और मूल्यवान लगता है देवी, कि एक दिन उसका अंत होना है। यदि केवल दिन ही छाया रहे और रात्रि ना आए तो नेत्र जागते जागते और सूर्य अपना प्रकाश बांटते बांटते थक जाए। यदि मृत्यु ना आए तो प्राणी कदाचित जीवन से ऊब जाए देवी। परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो कह रहे हैं कि उन्होंने मृत्यु पर विजय पा ली है। किसकी मृत्यु पर महादेवी? वो दानवों को पुनः जीवन अवश्य दे सकते हैं, परंतु महादेवी आप तो बस देखती जाइए कि जिस अभिमान ने देवेंद्र के सिर में अपना डेरा जमा रखा था, अब वही अभिमान दैत्य गुरु शुक्राचार्य के सिर में अपना घर बना रहा है। परंतु हे कमलनयन, अभी तो देवेंद्र बहुत उदास, बहुत दुखी और बहुत टूटे हुए दिख रहे हैं। हाँ महादेवी, हाँ, भूल का मूल्य तो चुकाना ही पड़ता है। हे देवेश्वर, हम पराजित हुए, हमारी सेना के अगणित सेनानी वीर गति को प्राप्त हुए, हमारा सिर लज्जा से झुक गया। आपके अतिरिक्त और कोई नहीं जो हमारी रक्षा करे, हमारे दुख का निवारण करे।
हे परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए। हे नारायण, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव से संजीवनी मंत्र क्या प्राप्त किया, हमारे सिरों पर मृत्यु और पराजय का वज्र आ गिरा। हे लक्ष्मीपति, यदि दानव मरते हैं तो दैत्य गुरु उन्हें फिर से जीवित कर देते हैं, और जब देवता मरते हैं तो उनका सदा के लिए अंत हो जाता है। हे सर्वशक्तिमान, यही दशा रही तो देवता घटते जाएंगे, दानव बढ़ते जाएंगे, और एक दिन देवलोक पर दानवों का आधिपत्य हो जाएगा। देव संस्कृति गिर जाएगी तो मानव संस्कृति भी गिर जाएगी। जब हम संजीवनी मंत्र से सुरक्षित नहीं तो मानव तो और भी दुर्बल है। हमें संजीवनी मंत्र से बचाइए प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। संजीवनी मंत्र का केवल एक उत्तर है, अमृत। अमृत? अमृत? अमृत वो है जो पीने वाले को अमर बना देता है, मृत्यु उसे छू नहीं सकती। परंतु हे लक्ष्मी नारायण, अमृत हमें कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा? देवेंद्र, अमृत आपको समुद्र से मिलेगा, सागर का मंथन करने से मिलेगा। अमृत? परंतु हे जगदीश्वर, हमें तो अमृत के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं। हे देवराज, जिस प्रकार दूध के भीतर माखन छिपा तो होता है, परंतु वो मिलता तभी है जब दूध को मथा जाता है, उसी प्रकार समुद्र के भीतर अनेक पदार्थ छिपे हैं, अनमोल रत्न छिपे हैं, उन्हें केवल मंथन के द्वारा ही निकाला जा सकता है। अमृत उनमें सबसे अनमोल है। सत्य तो यह है देवगण कि मंथन, मथने और खंगालने की उस क्रिया का नाम है जिसके द्वारा स्वयं के भीतरी गुणों और अवगुणों की खोज की जाती है। मानव यह मंथन प्रतिदिन करता है, वो प्रतिदिन स्वयं को मथता है, खंगालता है, और स्वयं के भीतरी गुणों और अवगुणों को बाहर निकालता है। आश्चर्य तो यह है कि वो मानव होकर भी इस क्रिया से परिचित है और आप देवता होकर भी इस क्रिया से अपरिचित हैं। पर हे लक्ष्मीपति, हम समुद्र का मंथन करेंगे कैसे? मंथन मथानी और डोरी की सहायता से किया जाता है। मैं आपके लिए मंदर पर्वत को मथानी बनाऊंगा और वासुकी नाग की डोरी दूंगा। परंतु एक तीसरी वस्तु की भी आवश्यकता होती है देवगण, जिसका प्रबंध आपको स्वयं करना होगा। और किस सामग्री की आवश्यकता होती है सर्वेश्वर? डोरी को खींचने और मथानी को डुलाने के लिए दो दलों की आवश्यकता होगी देवेंद्र, जो डोरी को दो छोरों से पकड़कर खींचेंगे। उनके बिना तो मंथन संभव ही नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दूध मथने के लिए दो हाथों की आवश्यकता होती है। तो हम देवता आधे एक छोर पकड़कर आधे दूसरा, यह कार्य तो सरलता पूर्वक कर सकते हैं। मंदर की मथानी को डुलाना है देवेंद्र, वासुकी नाग की डोरी को खींचना है। संजीवनी मंत्र के प्रभाव ने आपकी संख्या को घटा दिया है, और आपकी घटी हुई छोटी सी संख्या इतना महान कार्य नहीं कर सकेगी। हे सर्वेश्वर, हम फिर दूसरा दल किसको बनाएं? दानवों को। दानवों को? हाँ, दानवों को। यदि दानव आपका साथ दें तो समुद्र मंथन संभव है, और समुद्र मंथन होगा तभी संजीवनी का उत्तर भी प्राप्त होगा। हे परमेश्वर, ये तो एक असंभव अभियान होगा। सर्वप्रथम तो दानव हमारी बात सुनेंगे ही नहीं, और यदि सुन भी लें तो मानेंगे नहीं। हे कृपा निधान, दानवों को तो अमृत की आवश्यकता भी नहीं जिसके लिए वो हमसे सहयोग करें। उनके गुरु के पास तो संजीवनी मंत्र की शक्ति है, उन्हें तो यूं भी मृत्यु से मुक्ति मिल चुकी है। हे दीनदयाल, यदि दानव मान भी गए तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें कभी हमसे सहयोग की अनुमति नहीं देंगे। निस्संदेह नहीं देंगे, और यही तो आप सबके विवेक और बुद्धि की परीक्षा होगी देवगण। आपको दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भी अपने तर्क से संतुष्ट करना होगा। पर हे देवेश्वर, उनके आगे हम क्या तर्क रखेंगे? देवेंद्र, आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य को यह समझाएंगे कि संजीवनी मंत्र मृत्यु का मात्र क्षणिक उपचार है। संजीवनी जीवन की एक ऐसी कुंजी है जो खो भी सकती है, जो टूट भी सकती है, परंतु अमृत मृत्यु का स्थायी उपचार है। अमृत पान करने वाला मृत्यु पर सदा के लिए विजय प्राप्त कर लेता है। परंतु हे नारायण,
इसका अर्थ तो ये हुआ कि हमें दानवों के पास सिर झुकाकर जाना होगा, उनसे सहयोग और सहायता की भिक्षा मांगनी होगी। क्या यह समस्त देवलोक का अपमान नहीं होगा? क्या अपमान में अब भी कोई कमी रह गई है देवराज? शब्दों के जाल में मत उलझिए देवेंद्र, शब्दों के जाल में मत उलझिए। आंधी आए तो आंखें फाड़कर पथ पर आगे बढ़ते रहना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। ऐसे में बुद्धिमत्ता तो वो है कि नेत्र मूंद कर बैठा जाए और आंधी के निकल जाने की प्रतीक्षा की जाए। शस्त्रधारी शत्रु से निहत्ते लड़ना यह कोई वीरता नहीं है देवगण, यह तो आत्महत्या है। ऐसे में वीरता तो यह है कि शत्रु को शांत रखा जाए, यदि आवश्यकता पड़े तो उसकी प्रशंसा भी की जाए और उससे लड़ने के लिए शक्ति जुटाई जाए। शत्रु से सहयोग और सहायता लेना भी रणनीति का अंश है देवेंद्र। एक प्रश्न अभी रह गया सर्वेश्वर। वो भी पूछ लीजिए। यदि दानवों ने सहयोग देने के लिए यह मांग की कि अमृत उन्हें भी दिया जाए तब क्या होगा? संजीवनी के साथ अमृत भी उन्हें मिल गया तो उनकी शक्ति दुगनी हो जाएगी। असंभव, असंभव देवेंद्र, असंभव। समुद्र मंथन से अनेक पदार्थ निकलेंगे, अनेक सामग्रियां निकलेंगी, अनमोल रत्न निकलेंगे, उन सब का बंटवारा संभव है, परंतु अमृत पर केवल देवताओं का अधिकार होगा, उसकी एक बूंद पर भी दानवों का अधिकार नहीं होगा। अब यह कैसे होता है यह देखना मेरा कार्य। यदि दानवों ने अमृत मांगा तो मैं स्वयं बीच में आऊंगा। हे त्रिलोकीनाथ, आप संकट नाशक हैं, तारणहार हैं, हमारे नायक हैं। आपने इस निराशा में आशा का दीप जला दिया। हमें अनुमति दीजिए जगदीश्वर, आपका और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे साथ रहा तो हम अवश्य अपने अभियान में सफल होंगे। हम शीघ्र ही लौटकर दानवों का सहयोग मिलने का समाचार आपको सुनाएंगे। शुभस्य शीघ्रम। हे कमलनयन, आपने अभी कहा कि दानवों से सहयोग लिया जाए किंतु उन्हें अमृत की एक बूंद भी न दी जाए। हाँ हाँ महादेवी, मैंने यही कहा। परंतु हे सर्वेश्वर, क्या ये छल नहीं कहलाएगा? कार्य की परिभाषा उसका उद्देश्य निर्धारित करता है महादेवी। यदि उद्देश्य उत्तम हो तो उसे छल का नाम नहीं दिया जाता, उसे नीति का नाम दिया जाता है। देवताओं को भी नीति से कार्य लेना होगा। छल तो गुरु शुक्राचार्य कर रहे हैं महादेवी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि संजीवनी मंत्र उन्हें मानव कल्याण के लिए चाहिए, पर क्या वो मानव कल्याण कर रहे हैं? वो तो संजीवनी मंत्र का उपयोग केवल दानव कल्याण के लिए कर रहे हैं। और यह छल है देवी, यही छल है। और इसके उत्तर में कोई भी कार्य, भले ही उस पर छल का संदेह ही क्यों ना हो, उचित ही नहीं उत्तम भी है। आप तो उत्तरों के उत्तर हैं, तर्कों के तर्क हैं और उद्देश्यों के उद्देश्य हैं कमल नयन। आपकी हर बात में रहस्य होता है। नारायण नारायण। आइए देवर्षि। प्रणाम माता। प्रणाम सर्वेश्वर। प्रणाम। आपने बुलाया मुझे? हाँ देवर्षि, हमें आपका सहयोग चाहिए। हे लक्ष्मी नारायण, ये तो आपकी महानता है कि आप मेरी सेवा को सहयोग का नाम देते हैं। आदेश दीजिए। समुद्र मंथन होने वाला है देवर्षि, समुद्र मंथन। परंतु एक समस्या है, वासुकी नाग का प्रयोग डोरी के रूप में होना है और मंथन के समय उसके मुख से ऐसी भयंकर अग्नि जैसी फुंकारें निकलेंगी कि जो पक्ष उसके मुख की ओर होगा वो झुलस कर मर जाएगा। ये तो सत्य है प्रभु। समस्या ये है देवर्षि कि यदि दानव मरे तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें पुनः जीवित कर देंगे, और यदि देवता मरे तो उनकी संख्या कम हो जाएगी और समुद्र मंथन संभव ही नहीं हो पाएगा। ये तो चिंता का विषय है देवेश्वर, इसकी ओर तो मेरा ध्यान ही नहीं है। इसीलिए तो मैं ये चाहता हूँ देवर्षि कि पाला बांटते समय कुछ ऐसा हो
कि वासुकी की दुम की ओर देवता हो और वासुकी के मुख की ओर दानव हो, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा कष्ट दिया। नारायण नारायण, आपकी लीला धन्य है प्रभु। देवर्षि, ये केवल मेरी लीला नहीं, आपकी बुद्धि की परीक्षा भी है। वासुकी के मुख की ओर दानव और दुम की ओर देवता, बस ये समझिए कि आपकी क्षमता की परीक्षा है ये। आपको परीक्षा लेने में और मुझे परीक्षा देने में जो आनंद आता है, उसका अनुमान केवल मेरी लक्ष्मी माता को है। क्यों माता? नारायण नारायण। धरती से पुकार उठ रही है, मुझे बुलाया जा रहा है। हाँ कमल नयन, संकट बढ़ रहा है, मंथन असंभव सा लगने लगा है। और यदि मंथन नहीं हुआ तो जीवन संकट में घिर जाएगा, देवता अमृत से वंचित रह जाएंगे और दानव संस्कृति की जीत हो जाएगी। परंतु हे कमल नयन, मंथन कैसे होगा? मंदराचल तो समुद्र में डूबा जा रहा है, उसे स्थिर करने के लिए कोई महान ठोस वस्तु मिलेगी कहां से भला? प्रिय, मैं धरती और जीवन का पालक हूं, धरती और जीवन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं मंदराचल को अपनी पीठ पर रोक लूंगा। आप मंदराचल को अपनी पीठ पर रोकेंगे? हाँ प्रिय, मैं कूर्म का रूप धारण करूंगा, यह मेरा कूर्मावतार होगा। दूसरा अवतार मंदर पर्वत मेरी पीठ पर टिक जाएगा और फिर समुद्र मंथन में कोई कठिनाई ही नहीं होगी। परंतु हे कमल नयन, आपने तो कहा था कि आप मानव लोक पर उसी समय जाएंगे जब मानव कल्याण को कोई संकट होगा। ये तो देवताओं और दानवों का झगड़ा है, इसमें हस्तक्षेप करने के लिए आपको अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? हे महादेवी, मैंने कहा ना कि यदि सागर मंथन नहीं हुआ तो दानव संस्कृति जीत जाएगी, और यदि दानव संस्कृति जीत गई तो सर्वप्रथम मानव संस्कृति को मिटा देगी। देवता उनके आगे नहीं टिक पा रहे तो मानव कहां से ठहरेगा? वो तो और भी दुर्बल है, और इसीलिए ये देवताओं और दानवों के झगड़े से अधिक मानव कल्याण का प्रश्न है, मुझे जाना ही होगा। और मैं, क्या मेरे भाग्य में फिर वियोग की घड़ियां लिखी हैं? प्रिय, वियोग के उपरांत जो मिलन होता है उसका आनंद ही कुछ और होता है। वियोग तो मिलन की मिठास बढ़ा देता है प्रिय, और फिर ये वियोग इतना लंबा नहीं होगा, हम शीघ्र फिर मिलेंगे, और ये मिलन इतना सुंदर होगा प्रिय कि आप इसे कदापि नहीं भूल पाएंगी। मैं तो वियोग शब्द सुनते ही उदास हो गई थी, परंतु आपके सुंदर मुख से मिलन शब्द सुनते ही मैं आनंद विभोर हो उठी हूँ। कैसा होगा अपना ये मिलन कमल नयन? इस बार आप मेरी भुजा में लीन अवश्य होंगी महादेवी, पर आपका जन्म सागर मंथन से होगा। समुद्र मंथन से जो अनमोल रत्न निकलेंगे उन्हीं के साथ आप भी निकलेंगी। हे महादेवी, अमृत और आप, यही दो तो इस सागर मंथन की सबसे सुंदर उपलब्धियां होंगी। आप प्रेम का प्रतीक है, ममता का स्वरूप है, और जीवन के लिए प्रेम और ममता अमृत से कम नहीं देवी। सत्य पूछिए तो प्रेम और ममता तो अमृत से भी कहीं अधिक सुंदर और महान है। अमृत तो केवल देवताओं के लिए होगा देवी, परंतु आप इस सागर मंथन की सबसे महानतम उपलब्धि होंगी, क्योंकि आप ही मानव कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन बनेंगी।
रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए हे त्रिलोकीनाथ, आपकी सृष्टि संकट में है। हे विश्वेश्वर, सागर मंथन से जीवनदायक अमृत के स्थान पर प्राणघातक विष निकला है, सृष्टि में हाहाकार मचा है। हे आदि प्रजापति, हे देवगण, जीवन को अमर बनाने के लिए मृत्यु से हर पग पर टकराना तो अवश्य पड़ता है। इसी संघर्ष में तो जीवन का सौंदर्य निहित है। जब शिशु माता के गर्भ में होता है तो उसे हर क्षण मृत्यु से संघर्ष करना पड़ता है। शिशु के जन्म से पूर्व माता भी जीवन और मृत्यु के इसी संघर्ष का अनुभव करती है, परंतु जैसे ही शिशु का जन्म होता है समस्त सृष्टि मुस्कुराती है। यदि अमृत की प्राप्ति इतनी सरल होती देवगण, तो जीवन और मृत्यु का यह संघर्ष और उसकी यह कथा कब की समाप्त हो चुकी होती। परंतु हे जगदीश्वर, समुद्र में यह विष आया कहां से? ये तो आदि प्रजापति श्री ब्रह्मा की संतान मानव का चमत्कार है। वो जिस वस्तु को भी अपने लिए उपयोगी नहीं समझता, उसे समुद्र की गहराइयों में फेंक देता है। वो ये नहीं सोचता कि जो वस्तु उसके लिए हानिकारक है, वो समुद्र के प्राणियों के लिए भी हानिकारक होगी। मैंने तो जल मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया था। सत्य कहा आपने हे ब्रह्मा, जल का तो अर्थ ही है जीवन, परंतु मनुष्य ने उसे व्यर्थ और हानिकारक वस्तुओं का भंडार बना दिया है। उसी प्रदूषण ने बढ़ते बढ़ते विष का रूप धारण कर लिया है। उसे एक न एक दिन समुद्र के गर्भ से बाहर तो आना ही था। हे लक्ष्मी नारायण, क्या यह नहीं हो सकता कि यह विष जहां से आया है इसे उसी समुद्र में वापस फेंक दिया जाए? नहीं देवराज, नहीं, ये समस्या का समाधान नहीं है। यह तो समस्या से भागने का एक असफल प्रयत्न है। यदि इस विष को पुनः समुद्र के गर्भ में फेंक दिया गया तो वह दृष्टि से ओझल अवश्य हो जाएगा, पर उसके अस्तित्व का अंत नहीं होगा। वो कल फिर समुद्र के गर्भ से बाहर निकलेगा, किसी और पीढ़ी के लिए संकट बनेगा। देवराज, संकट का समाधान अगली पीढ़ी के लिए छोड़ देना स्वार्थ है, कुनीति है। हे सर्वेश्वर, सागर मंथन आपके आदेश के कारण आरंभ हुआ था। अमृत की प्राप्ति हमारे लिए नितांत आवश्यक है, परंतु इस विष के कारण मंथन स्थगित हो चुका है। आपका आदेश अधूरा रह गया है। हम मंथन करके आपके आदेश का पालन करना चाहते हैं, परंतु यह विष बाधा बन गया है। देवगण, ये बहुत जटिल समस्या है और इसका समाधान केवल भोलेनाथ कर सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि इस संकट का निवारण केवल उन्हीं के पास है। चलिए, मैं भी आप सबके साथ उनकी सेवा में चलता हूं। कमलनयन, हे पद्मनाभ, कहाँ हैं आप? मुझ विरह की मारी पर कृपा कीजिए। मेरी आंखें आपके दर्शन को तरस रही हैं, मेरी आत्मा आपको पुकार रही है। दर्शन दीजिए भगवान, मेरी आत्मा की पुकार सुन लीजिए। Thank you.
महादेवी। कमल नयन। आपने हमें पुकारा, हम आ गए आपके पास। कमल नयन, आपने मुझे अपनी भुजाओं में ग्रहण करते समय कहा था कि इस बार हमारा मिलन बहुत ही मधुर होगा। हाँ देवी, परंतु धरती पर मुझे आपसे दूर करने की चेष्टा की जा रही है। देवता और दानव मुझे आपसे छीनने के लिए तत्पर हैं, एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तैयार हैं। हे कमल नयन, सागर से निकलते ही सबसे पहले मुझे आप ही का ध्यान आया था। आपसे क्षणिक वियोग भी मुझसे सहन नहीं होता। हे महादेवी, उपवन के भाग्य में वसंत का सुख सदैव नहीं होता, उसे पतझड़ का दुख भी झेलना पड़ता है। उसी प्रकार जीवन में भी मिलन का आनंद सदा के लिए नहीं छाया रहता। देवी, वियोग की घड़ियां भी आती हैं। तो कब बीतेंगी यह विरह की घड़ियां? मैं तो आप ही की हूं, आप ही के लिए बनी हूं। आपसे दूर रहने का विचार भी मुझसे सहन नहीं होता। हे महादेवी, इस बार आप मंथन में सागर पुत्री के रूप में जन्मी हैं, इसलिए आप धरती के नियमों के अधीन हैं। मैं नियमों को तोड़ नहीं सकता। देवी, धरती के सारे प्राणियों की भांति आपके भाग्य विधाता भी ब्रह्मा है। आपके भाग्य में क्या लिखा है यह तो केवल वही बता सकते हैं। तो मैं ब्रह्मा जी के पास जाऊंगी, उनसे पूछूंगी कि मुझ पे ये अत्याचार क्यों किया जा रहा है, मुझे अपने नारायण से क्यों दूर किया जा रहा है। लक्ष्मी नारायण की जय। लक्ष्मी पति की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। लक्ष्मी पति की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। लक्ष्मी पति की जय। स्वागत है सर्वेश्वर, स्वागत है माता। आइए। हमने आपसे कहा था ना महादेवी कि इस बार हमारा मिलन बहुत मधुर होगा, ऐसा जिसे आप कदापि नहीं भूल पाएंगी। कैसा लगा आपको ये मिलन? बहुत सुंदर, बहुत मधुर, अनुपम। किंतु हे कमल नयन, जब तक आप नहीं आए थे मेरे हृदय की गति रुकी जा रही थी, एक क्षण का भी और विलंब करते आप तो। विलंब क्यों करता देवी, आपका मन मुझे पुकार रहा था। जब भी कोई मुझे मन से पुकारता है तो मैं उसके पास जाने में एक क्षण का भी विलंब नहीं करता। और आप तो देवी, जिन रंगों से हमारा जीवन चित्र बना है ना, उस चित्र के सुंदरतम रंग आप हैं। आपके बिना तो हमारा जीवन अधूरा है, अस्तित्व अधूरा है। तो आपके पास आने में मैं विलंब क्यों करता? हे जगदीश्वर, ये तो अनर्थ हो गया। दानव अमृत कलश लेकर भाग गए। संजीवनी और अमृत दोनों की शक्ति पाकर तो वे समस्त सृष्टि का सर्वनाश कर डालेंगे। असंभव, यह असंभव है देवराज। यदि संसार पर दानव संस्कृति का राज हो गया तो सृष्टि की रचना का सारा उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। सृष्टि की रचना तो सुंदर विचारों के पनपने के लिए, शांति की सुगंध फैलाने के लिए और मानव को उन्नति के शिखर तक पहुंचाने के लिए की गई है। नहीं देवेंद्र, नहीं, धरती पर दानवी विचारों के लिए कोई स्थान नहीं है। दानव संस्कृति का उत्थान सृष्टि के सौंदर्य का अंत होगा और मैं यह कदापि नहीं होने दूंगा देवेंद्र।
आप चिंता न कीजिए, अमृत पर केवल देवताओं का अधिकार है और अमृत कलश को आप तक पहुंचाना मेरा उत्तरदायित्व। हे त्रिलोकीनाथ, आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते? यह आशा लेकर ही तो हम आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं।